कासगंज में भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता और भारतीय किसान यूनियन स्वराज के समर्थकों के बीच हंगामे के बाद झड़प हो गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। इस दौरान एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कोतवाली में तैनात दरोगा पर 5,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाकर किसान यूनियन स्वराज के नेता और कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव कर दिया। दिन भर प्रदर्शन के बाद देर शाम किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ने लगी। इसी बीच भाजपा के कई नेता कोतवाली पहुंचे तो उनकी किसान नेताओं के साथ नोकझोंक हो गई। प्रशासन और पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत किया, लेकिन किसानों के बीच फिर से आक्रोश बढ़ा और कुछ लोग कोतवाली में हंगामा करने लगे। उन्होंने महिला हेल्प डेस्क के शीशे और इंस्पेक्टर के आवास के दरवाजे तोड़ दिए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसानों को खदेड़ा। इससे भगदड़ मच गई और कुछ लोग घायल हो गए। वहीं हंगामे की जानकारी होते ही डीआईजी भी मौके पर पहुंचे और हंगामे में शामिल लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। के बाद जो है कुछ लोगों के द्वारा जो कि एक यूनियन से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने आज दिन में यहां पर एक धरना दिया था, जिसमें कि एसपी के द्वारा उस मामले में जाँच के आदेश दे दिए गए थे। लेकिन शाम में उन लोगों के द्वारा और कुछ और बाहर के तत्व, जो उनका कहना है कि वो लोग आए थे और उनमें आपस में हंगामा हुआ था, इस संबंध में जांच की जा रही है। इस संबंध में एसपी ने तत्काल हमें अवगत कराया और हम लोग यहां पर मौके पर आए हैं और पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में आज एफआईआर रजिस्टर्ड की जा रही है और जो जो लोग भी हंगामा करने में शामिल थे, जो भी पक्ष थे, उस पर हम लोग उचित और विधिक कार्रवाई करेंगे और विवेचना में की प्रगति में अन्य चीज़ें सामने आएंगी। मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट कर दूं कि सरकार की जो प्रायोरिटी है वो लॉ एंड ऑर्डर है और कानून और व्यवस्था को बरकरार रखना है। और इस पूजा के मौसम में, त्योहारों का मौसम प्रारंभ हो चुका है, इस त्योहारों के मौसम में किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति यदि अनायास बिना कारण के हंगामा करने का कहीं भी प्रयास करेगा तो उस पर हम लोग पूरी तरह से सख्ती से कानूनन कार्रवाई हम लोग करेंगे और पूरी कार्रवाई हम लोग दिशा की ओर अग्रसर रहेंगे। फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। वहीं हंगामा करने वाले लोगों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को लगाया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कासगंज से विवेक रॉय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।